हे गाइस, रेड स्पार्क गेमिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं एनिमल फार्म। और सबसे पहले हम लोग काऊ और शीप का फार्म बनाने वाले हैं आज। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले चलते हैं दोस्तों लकड़ियाँ काट लेने के लिए। लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा फेंसिंग करने में। तो चलते हैं लकड़ियाँ काटने। दोस्तों पहले काऊ और शीप का ही बना करके देखता हूँ, और फिर बाकी आगे कहीं जगह एडजस्ट हो जाएगा तो फिर मैं पिग और अपने ये घोड़े वगैरह रखने के लिए भी बनाऊंगा। तो पहले तो काऊ और शीप के लिए बना लेते हैं, क्योंकि वूल से फिर कारपेट लगा पाऊंगा मैं अपने घर में, और काऊ से लेदर भी मिलता रहेगा जिससे मैं एन्चांटेड बुक्स बना सकता हूँ जितनी मन चाहे उतनी। तो मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि लकड़ियाँ काटते वक्त आप सब बोर ना हो जाओ इसलिए। और फिर मैं दोस्तों इसके अगले एपिसोड में फिर अपना फार्म भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं शुगर केन वगैरह, पोटैटो वगैरह, कैरेट वगैरह सब ये सब उसमें उगाऊंगा। तो उसकी वीडियो सेपरेट अलग आएगी। और हो सकता है दोस्तों शायद इसमें मैं पिक का जो मैं बनाने वाला हूँ फार्म, और वो घोड़े के रखने के लिए जो बनाने वाला हूँ वो भी उसी में इंक्लूड कर दूँ। तो हम लोग जैसा कि दोस्तों बना चुके हैं फेंस, अब फेंस लगाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, फेंस लगा रहा हूँ। एक तो बन गया, इधर दो ब्लॉक्स छोड़ के एक और बनाता हूँ साइड में। इतना ठीक रहेगा। देखिए गाइस बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसमें काउज को किधर रखूँ और शीप्स को किधर रखूँ। बड़े वाले में काउस को रखूंगा क्योंकि लेदर का तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा हमें। हमारा फार्म बनाने के लिए एरिया तो तैयार है दोस्तों, अब बस ज़रूरत हमें शीप्स और काउस की, जिनको लाकर हम ब्रीड करेंगे। पहले फेंस गेट लगा लेते हैं यहाँ पर। फेंस गेट एक्चुअली मुझे डार्क ओक ट्री से बनाना चाहिए था ताकि वो विजिबल रहे, ताकि पता चले कि किधर से एंट्री है और एग्जिट, क्योंकि ये तो सेम कलर के हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एंट्रेंस ढूंढने में। खैर मैं टॉर्चेस लगा दूंगा दोनों साइड तो फिर काम बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा तैयार है हमारे भेड़ बकरियों और गायों को रखने के लिए। ये मुझे बीच में नहीं लग रहा था। अरे अब इसे काटना होगा। ये ठीक है। तो दोस्तों हमारे भेड़ बकरियों को रखने के लिए और गाय वगैरह ये सब को रखने के लिए तैयार है। फेंसिंग हो चुकी है, बस हमें जाकर के शीप और काउज को पकड़ के लेना है। तो वो काम हम लोग करेंगे। पहले इसमें लाइट लगा देते हैं टॉर्चेस ताकि अच्छा लगे, और यहाँ माउस वगैरह स्पॉन ना हो, मुझे काम पड़े और मैं आराम से अंदर जा सकूं इसलिए। ये तो हो गया, अब इधर भी लगा देते हैं दोस्तों। लगभग तैयार ही है। मैं हर कुछ इतने बेसिक सा ही बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि
व्यूज़ तो अभी आ नहीं रहे हैं, तो कुछ खास ज़्यादा बना के क्या फ़ायदा। जब व्यूज़ आएंगे तो उस वक्त बनाने में अच्छा भी लगेगा, कुछ थोड़ा मतलब बिग टाइप का, बड़े साइज़ में और बड़े अमाउंट की हर चीज़ें करने में अच्छा लगेगा उस वक्त, अगर जब व्यूज़ आएंगे तो। खैर फ़िलहाल अभी के लिए तो इतने काफ़ी हैं बेसिक सा ही। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, सो जाते हैं, और उसके बाद अगले दिन जो है हम लोग काउज और शीप्स को लाने के लिए निकलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है, डायमंड की तलवार आयरन वाली मैं चेस्ट में जाके रख देता हूँ वापस। तो अब चलते हैं दोस्तों शिकार करने, शिकार एक्चुअली नहीं मतलब किसी शीप और काउज को पकड़ने के लिए। शीप तो यहीं मिल गई लेकिन अकेली है, फिर भी इसे लेकर के चलते हैं। चलो एक तो आ गई, ये लो खा लो। ब्रीड करने के लिए एक और लानी पड़ेगी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं ढूंढते हैं एक और। दोस्तों शीप तो नहीं पर मुझे काउ मिल चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ काउ को ही लेकर के चलूँ उसके अलग जो फार्म में बनाया हूँ उसमें लेकर के। और क्या पता रास्ते में जाते जाते शीप भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, आखिर दोनों अट्रैक्ट तो वीट से ही होते हैं, तो दोनों का काम बन जाएगा। अरे यार ये तो जाने लगी, अब आ रही है। अरे पीछे एक और गाय है क्या, चलो इसे भी ले चलते हैं, इन दोनों का तो काम कंप्लीट हो जाएगा, ब्रीडिंग करना शुरू करा सकते हैं तुरंत। दोस्तों अभी जिस तरह से मैं इन काउज को लेकर के जा रहा हूँ इससे मुझे याद आता है जो मैं अपने पिछले वर्ल्ड में करता था, मैं विलेज में वहाँ के विलेजर्स को बोट में बिठा कर रस्सी से ऐसे ही खींच खींच कर लाता था पीछे देखते हुए, मुझे वही याद आ गया। और कहीं बताओ ऊबड़ खाबड़ टाइप का जो ये अगर आ जाता था फिर दिक्कत कितना होता था उसमें, मतलब अगर ज़मीन प्लेन नहीं है तो उसमें पानी बकेट लेकर के जाना पड़ता था, फिर पानी फैला के उससे फिर चढ़ाते थे। खैर कोई नहीं चलता है, यहाँ तो विलेज बगल में ही है, और वो मैं पॉकेट एडिशन की बात कर रहा था, बहुत पहले की बात है। अरे ये कहाँ भग गई, अब उसके चलते वो भी आएगी निकल के बाहर। जो भाई ये क्या बाबा सी है, अब तो आ जा, अब आ जाएंगी लाइन से। काम हो गया, ब्रीड करा दिया, शीप ढूंढनी है हमें। शीप ये रही शीप, चलिए इसको लेकर के चलते हैं दोस्तों। अच्छा काओ भी आ रही है, कोई नहीं सही है, जितने ज़्यादा मिल जाए उतने उतना ही काफ़ी है, बढ़िया। लेकिन ये काओ भी तो इसकी जगह पर आ जाएगी शीप के जगह पे, दोनों को अलग अलग कैसे ले जाऊँ, कोई बात नहीं मार देंगे।
ब्रीड करा देते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने ब्रीड करा दिया दोस्तों, आप देख सकते हो 3 काउज और 3 शीप्स हैं हमारे पास। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़रूर बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।